हेलो फ्रेंड्स, अब ये छोटा सा मैसेज मैं इस वीडियो के थ्रू देना चाहूँगी कि कितना ज़रूरी होता है कि हम अपने खाने को ब्लेस करें। हम अपना खाना जो खा रहे हैं, पानी जो पी रहे हैं, हम जो भी चीज़ अपने बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, बहुत ज़रूरी होता है हम उसको ब्लेस करें और फिर हम उन चीज़ों को खाएं। और हम एक पॉजिटिविटी रखेंगे, जब खाना हम बना रहे हैं तब भी हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, क्योंकि हमारी जो एनर्जी है हम जब बनाते हैं खाना तब उस खाने के अंदर चली जाती है। जब हम नेगेटिव थॉट्स सोच रहे हैं और किसी के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा है और किसी के लिए बहुत रिसेंटमेंट और जलसी लेकर नेगेटिव एनर्जीज के साथ अगर जब हम खाना बनाते हैं तो वो एनर्जीज खाने के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है और जब हम खाना उसको खाते हैं वही चीज़ हमारे अंदर फिर आ जाती है। तो एनर्जीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हमें अपना खाना ब्लेस करके खाना चाहिए कि अगर जो भी नरिशमेंट है, अगर जो भी उस खाने का नरिशमेंट है, जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है, वो हमें पूरी तरह से जिस तरह से मिले, तो उस खाने को एक पॉजिटिव एटीट्यूड देके खाना चाहिए। अपने खाने को ब्लेस कीजिए, थैंक यू बोलिए खाना खाने के पहले कि आपको ये खाना मिल रहा है, और इसे पूरी तरह से आप ब्लेस करके जब एक्सेप्ट करके उस खाने को खाओगे पॉजिटिविटी के साथ, तो वो आपके अंदर जाके कभी भी नेगेटिविटी और बीमारियां ये सारी चीज़ें क्रिएट नहीं करेगी आपके बॉडी में। तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अपने खाने को खुशी खुशी खाए, ब्लेस करके खाए। मैंने वेट लॉस का जो वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं, उसमें मैंने मेंशन किया है कि कई बार हम बहुत ज़्यादा गिल्ट करके खाते हैं या खाने के बाद हमें बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है, तो वो नेगेटिव एनर्जी हम खाने को दे रहे हैं और फिर वही सारा स्ट्रेस हमारे बॉडी में रिलीज़ होता है, कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ होते हैं और फिर हमारा वेट गेन होने लग जाता है। तो हमें माइंडफुल रहना है जब हम खाना खा रहे हैं, हम जब एक एक बाइट लेते हैं तो पूरी तरह से उसे इमोशनली फील करना है, इंजॉय करना है, और वो फील करके उस खाना को कहा जाता है कि 32 टाइम्स जो हमारे दांत होते हैं 32 टाइम्स एक एक बाइट को हमें च्यू करना चाहिए। मतलब इतना ज़्यादा हमें माइंडफुल रहना चाहिए जब हम एक एक बाइट अपने अंदर ले रहे हैं। और अगर साइंटिफिकली भी देखें तो हमारा ब्रेन जब सिग्नल्स देता है तो उसको 20 मिनट्स लग जाते हैं, तो उतना टाइम हमारे ब्रेन को हमें देना चाहिए कि हमें वो सिग्नल मिले कि हम फुल हो चुके हैं, अब हमारा खाना हो चुका है पूरा, अब हमारा पेट भर चुका है। तो उतना टाइम एटलीस्ट हमें 20 मिनट्स देना चाहिए उस खाने को, जैसे हमें वो पता चले कि अब हमारा इतना ही भूख है और हम अब हमारा पेट भर चुका है, तो ओवर ईटिंग करने का भी चांसेस कम हो जाता है। और कई बार हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, तो हम ईटिंग का सहारा लेते हैं, हम कुछ ना कुछ जंक खाते हैं और वो बाहर का खाना खाते हैं या फिर चॉकलेट्स, शुगर फूड्स, ये सब खाना चालू करते हैं। तो ये सब इमोशनल ईटिंग के वजह से होता है। जब हम अंदर से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन महसूस कर रहे हैं, सब फ्रस्ट्रेशन महसूस कर रहे हैं और फिर हम खाने का सहारा दे रहे हैं, अब हम ये शुगर वाली चीज़ें खाएंगे या फिर हम चॉकलेट्स, पेस्ट्रीज ये सब खाते हैं, तो हमारा वो एक एड्रेनालिन रश होता है बॉडी में, टेम्प्रेरी आपको वो बूस्ट मिलता है, एनर्जी बूस्ट मिलता है, और फिर आपके बाद में फिर से वो कुछ देर बाद में फिर से वो वीकनेस शुरू हो जाती है, एंग्जाइटी लेवल्स बिल्डअप होना चालू हो जाते हैं। तो ये टेम्प्रेरी एक बूस्ट मिलता है ये सब चीज़ें लेने से, इसलिए हम ये सब चीज़ों का सहारा लेते हैं, वो बूस्ट के लिए, वो एड्रेनालिन रश हमें चाहिए, इसके लिए एक एडिक्शन हो जाता है बाहर के खाने को लेकर, जंक फूड को लेकर, स्वीट्स को लेकर, कई बार हम एडिक्टेड हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये हमें याद रखना है, ये इमोशनल ईटिंग से बाहर निकलना है। अगर हम फ्रस्ट्रेटेड नहीं रहेंगे, डिप्रेस नहीं रहेंगे, तो हम खाने का सहारा नहीं लेंगे और ओवर ईट नहीं करेंगे। जब हम खाना खा रहे हैं तो उसे फील करना है, एक एक बाइट को स्लोली एंजॉय करके, फील करके उस बाइट को लेना है, तो हम पूरी तरह से उस खाने का मज़ा ले सकते हैं और ओवर ईटिंग करने के भी चांसेस नहीं रहेगी, पोर्शंस कंट्रोल रहेंगे। तो माइंडफुल ईटिंग याद रखनी है, खाने को ब्लेस करके खाना है, ये चीज़ें हमें याद रखनी है। पानी पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, डॉक्टर इमोटू का भी हमने एक्सपेरिमेंट देखा कि वाटर में कितने हीलिंग पावर्स होते हैं, हम अगर वाटर को पॉजिटिविटी देंगे तो किस तरह से वो वाटर मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाते हैं और हमारी बॉडी में भी फिर वो पॉजिटिविटी ट्रांसफ़र हो जाती है। तो वाटर को भी ब्लेस करके हम पी सकते हैं। जो भी चीज़ हम अपने बॉडी के अंदर डालने हैं उसे हमें माइंडफुल रहना है, सोच समझ के उसे अपने अंदर डालना है।
ये हम याद रखेंगे तो हम बहुत सी बीमारियों से, बहुत सी नेगेटिविटी से छूट सकते हैं और इन सब चीज़ों से हम एक पॉजिटिव लाइफ अपना बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आज से ही आप माइंडफुल ईटिंग चालू कर लेंगे, प्रैक्टिस करना अपने लाइफ में। जितने बार भी खाना खा रहे हैं, जितने बार भी पानी पी रहे हैं, माइंडफुल होके हम करेंगे, ब्लेस करके अपना फूड खाएंगे और पानी पियेंगे, तो ये आप चालू कर सकते हो। इससे आपको पॉजिटिव चेंजेस ज़रूर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग माई वीडियोज़, थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को, आपके ब्यूटीफुल कमेंट्स के लिए थैंक यू, और आपके मैसेजेस बहुत ही प्यारे होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और अगर कोई ऐसे स्पेसिफिक वीडियो है जो आपको चाहिए, आप चाहते हो मुझसे, तो मैं मुझे आप लिख कर भेजिए, कमेंट में लिख सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी उस टॉपिक को कवर करके वीडियो बनाने की। तब के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, नमस्ते।